मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हद तक हमने जर्मन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा। आज हम फ्रांस के भूगोलवेताओं का भूगोल में योगदान की बात करेंगे, जिसमें पहले हैं जो मानव भूगोल के संस्थापक हैं, जिन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली काम करके मानव भूगोल को स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। इसलिए उनका नाम है विडालिला ब्लाश, और इनका कार्यकाल रहा या इनकी लाइफ स्पैन रहा 1845 से 1845 से 1918 तक। और बेटा इनका जो है बेसिक वर्क जो हुआ है सारा पेरिस में ही हुआ है स्टडीज़ के रूप में, और इन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को एक साथ डिग्री प्राप्त की, बीए की। और इन्होंने कुछ टाइम जाकर के ग्रीस जो कंट्री, यूनान जो देश है, उसकी जो राजधानी है एथेंस, वहाँ पर शिक्षण कार्य करा है स्कूल के अंदर। और वापस ये 1872 में फ्रांस आए और वहाँ इन्होंने पीएचडी की। 1872 से 77 तक की नैन्सी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए, और 1877 से 1895 तक इन्हें इकोल, यानी जो फ्रांस की जो पेरिस है वहाँ पर इन्होंने एज ए प्रोफेसर वर्क किया। और 1896 तक, ये मृत्यु पर्यंत तक, सोबोन बोलते हैं उसको फ्रेंच में, साबोन पेरिस का जो ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय, सेकंड ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय है, इसमें इन्होंने कार्य किया। कब तक? अपने जीवन पर्यंत तक, 1918 तक। अब बच्चों, ब्लाश ने जो किया फ्रांस पे सारा काम, उसमें इनकी तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। ग्रंथ, उनके जो राइटिंग्स हैं वो तीन हैं, थ्री राइटिंग्स आर देयर। पहला फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल, जिन्होंने 1903 में दिया, नंबर 903 में दिया। पूर्वी फ्रांस का भूगोल, जो उन्होंने 1917 में दिया। और अब बात आती है बेटे, व्हाई वी कॉल्ड हिम संस्थापक, इस्टेब्लिश करने वाले जो फाउंडर हैं वो क्यों कहते हैं? इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अंडरलाइन कर लें बच्चों इस बात को कि इनको मानव भूगोल का संस्थापक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने मानव भूगोल में बहुत कार्य किया, परंतु कैसा कार्य किया? सिद्धांत बनाए, थियरीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि इन्होंने जो कार्य किया उनमें इन्होंने प्रकृति और मानवीय विकास विज्ञान दोनों को बराबर महत्व दिया, और इसी प्रकार से इन्होंने अपनी छह प्रमुख संकल्पनाएं दी। इन्होंने अपनी जो तीन छह जो हैं विचारधारा की संकल्पनाएं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के ऊपर मानव की विजय, यानी संभववाद, पॉसिबिलिज्म को यहाँ से इन्होंने इस्टेब्लिश करना प्रारंभ किया। क्योंकि ये दौर ऐसा था बच्चों, थोड़ा सा हिस्ट्रीज की देखिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब औद्योगिक क्रांति से गुजर रहे थे, है ना। इन बिटवीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, तो एक्सेसिव हो रहा था हर काम। एक्सेसिव मीन्स बिल्डिंग निर्माण, भवन निर्माण, रोडें, ये सारी चीज़ें का निर्माण बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा था। और उत्पादन फैक्ट्रियों में सिंथेटिक फाइबर की भी ऑलमोस्ट सेंचुरी के प्रारंभ में खोज हुई थी। तो कपड़ों का बनना, रासायनिक उद्योग का निर्माण, और जो स्मॉल गुड आइटम है, जैसे लाइट इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं, आपके पंखे, बिजली वगैरह, जैसे साइकिल वगैरह, कार्स वगैरह, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स को इन्होंने यहाँ फ्रांस में बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्रांति के कारण इन्होंने कहा कि प्रकृति के ऊपर मानव लगभग विजय प्राप्त कर पाएगा, यानी पॉसिबिलिज्म, संभववाद को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब जो छह संकल्पनाएं जो इनकी इम्पोर्टेंट हुई, उनमें ऐसा ठोस बात जो सामने आएगी वो अभी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, पर पहले मैं संकल्पनाओं के बारे में बोलती हूँ। क्योंकि जो एक्चुअल में जो इंग्लिश बुक्स है ना बच्चों, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि ही रिफ्यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिटर्मिनेशन एंड एडवोकेटेड पॉसिबिलिज्म, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी, ये अंडरलाइन करने की है कि उन्होंने प्राकृतिकवाद को ख़त्म करके मनुष्य के संभववाद, यानी मनुष्य ही सब कुछ करता है, इस पर इन्होंने बात की।
अब संकल्पनाओं को यदि हम देखें, इनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसके ऊपर जो जो कि फ्रेंच में है ना, तो ये वो इस बुक का पब्लिश जो हुआ था, ये तो इनकी डेथ के बाद 1922 में हुआ इनकी बुक। और इनके जो बहुत सारे ज्योग्राफर्स इनके स्टूडेंट्स हुए हैं, जिसमें आर ई डिकिंसन, ल्यूसियन गॉयलिस, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ब्लाश, इन्होंने बहुत सारा काम करते हुए इनकी बातों को आगे पहुंचाया। अब जो संकल्पनाओं में देखिए, पहली संकल्पना जो हिंदी बुक्स में देखने को मिलती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा, पार्थिव दृश्यों की एकता, यानी यूनिटी ऑफ लेटरल टेरेस्ट्रियल फिनोमिनास। इसका मतलब हुआ भौतिक कारक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर और अंतर संबंधित हैं। जैसे कि उदाहरण दूं मैं आपको, पहले तो तुम्हें बता दूं कि पार्थिव क्या होता है। पार्थिव मतलब धरातल के ऊपर जितने भी प्राकृतिक स्वरूप के आकार हैं वो सब पार्थिव हैं। क्या बोला मैंने? प्राकृतिक स्वरूप के जितने भी आकार हैं। अब आकार में बच्चे धरातल के ऊपर मैदान हैं, घाटियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, है ना, तो ये सारे क्या हैं, एक तरह से टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, पार्थिव इकाइयां हैं। अब इसमें बेटे अंतर संबंध तो बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि देखो किसी भी क्षेत्र में जैसे हम धरातल के ऊपर सरफेस के ऊपर ताप अधिक होता है, तो ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो आपके ताप में कमी आती है। धरातल जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। तो जैसे हम पर्वत की ऊंचाई के ऊपर बढ़ते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से क्या है सिद्धांत फॉर्मूला इसका, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे वनस्पति से घिरा हुआ क्षेत्र भू क्षेत्र है, तो वहाँ तापमान 1-2 डिग्री कम होता है, और जहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र है वहाँ तापमान अधिक होता है। तो आप या तालाब के किनारे हवा, जैसे आप सर्दियों में खासकर गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है, पर विंटर्स में जैसे अपन अपने शहर में अनासागर के साइड से निकल रहे हैं, सपोज़ कोई एमपीएस स्कूल के पीछे रहता है या वहाँ रहता है, एमपीएस स्कूल के पीछे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से सीधा इतना लंबा वैशाली क्रॉस करते हुए इंसान आता है और फिर आपके बजंगड़ चढ़ाई वाली घाटी पे आता है, मतलब इस पे रास्ते पे आता है जॉइंट पे, तब तक उसको बहुत ठंडक महसूस होती है, ठीक है। और जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर जेलन की साइड में आएगा, तो उसको टेम्परेचर में 1-2 डिग्री थोड़ी वार्म्थ फील होगी। तो कहने का मकसद ये है कि हर जो प्राकृतिक बॉडी है, हर प्राकृतिक कारक है, वो अपना अपना प्रभाव उस अपने क्षेत्र के सराउंडिंग्स पे डालता है, और फिर मनुष्य उन सभी क्रियाओं में अपना इम्प्रेशन डालता है। यानी जैसे हमें ये बोलें कि पर्वतों पे चढ़ेंगे तो हम अपने अलग तरह से कपड़े लेंगे या छाता लेंगे या जो भी आप रेनकोट्स वगैरह, या गर्म मैदानों में आएंगे तो वहाँ के लिए हम अलग तरह का सामान लेंगे। तो मनुष्य ने, क्योंकि इतने सालों में, इतने सैकड़ों वर्षों में मनुष्य ने अपने हज़ारों सालों में जीना सीख लिया है, तो प्राकृतिक जो टेरेस्ट्रियल यूनिट्स हैं, फेनोमिनाज हैं, घटक हैं, घटक मतलब वही कारक जो प्रभाव डालते हैं, इससे हमने उसको फिनोमिना बोला है। तो ये सारे प्रभाव एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो मनुष्य भी उसमें अपने को सर्वाइव करने के लिए उस क्रिया का अंतर संबंध रखता है। अब दूसरा है बच्चों संकल्पना इनकी, पार्थिव दृश्य विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील संयोगों तथा परिमार्जन में परिलक्षित होते हैं। अब परिवर्तनशील संयोग क्या होते हैं? जैसे कि हम कहें कि आजकल जैसे बहुत चर्चा हो रही है कि क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, पूरे विश्व का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है 1 डिग्री करीबन, बहुत ज़्यादा नहीं है, गलत मत बोलना, लोग 2-3 डिग्री बोल देते हैं, वो गलत है अर्थ। दूसरा जैसे हम कहें कि भाई पहले 25 सालों में तो इतना तापमान नहीं था, आजकल तो इतना तापमान है, पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, आजकल इतना पोल्यूशन है ना। तो जैसे बहुत सारी वनस्पतियाँ, पहले तो यहाँ इतनी वनस्पतियाँ थीं, ऐसे माइग्रेंट बर्ड्स आती थी वगैरह वगैरह। तो आप कोई भी एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सोचिए और फिर उसको देखिए कि ये एग्जाम्पल वास्तव में परिवर्तनशील संयोग के कारण ही बना है,
है ना। जैसे हम कहें कि ग्लोबल वार्मिंग से पहले जो इतनी भयंकर ठंड पड़ती थी, वो ठंड में थोड़ा सा कमी आ गई है, और उस वजह से आपका हिमानी क्षेत्र जो है वो स्नोफॉल उसमें थोड़ी कम होती है। तो इस तरह की, या हम यूँ कहें कि पृथ्वी पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ओजोन गैस के अंदर ओजोन परत में छेद हो गए हैं, तो ओजोन होल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं पृथ्वी पर सूर्यताप का अधिक प्राप्त होने में। तो ये इस तरह का इसमें आएगा कि जो भी संयोग होता है परिवर्तनशील पार्थिव दृश्य में, जो भी परिवर्तनशील संयोग होता है उसकी वजह से अलग एक भूदृश्य उत्पन्न हो सकता है, होता है। ऐसे ही है पृथ्वी का संबंध पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों से है। यह स्थानों का वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि देखो बच्चों ज्योग्राफी में हम किसी भी स्थान को ये नहीं बोलेंगे कि अजमेर के, अरे वो उधर जाओ ना वहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं। हम ये बोलेंगे भाई ये नदी के किनारे है कि झील के किनारे है, कितने अक्षांश के ऊपर है, कितने देशांतर पर है। क्योंकि जब हमें कोई स्टडी करनी होती है तो बेसिकली हम ज्योग्राफी वाले सबसे पहले एक्यूरेट सिचुएशन बताते हैं। यदि आपका जैसे भूआकृतिक जो सॉरी टोपोग्राफिकल जो मैप है, स्थलाकृति मानचित्र जो हैं टोपोशीट्स जो अपन ने अभी फर्स्ट ईयर में की हैं, तो उसमें जो इतना भी वो इंडेक्स नंबर है या उसमें जो भी प्राकृतिक साइन हैं, कन्वेंशन साइन हैं, मानवीय निर्मित हैं, तो जैसे यदि हमारा एक सैनिक यदि जा रहा है और उसको हम कहते हैं कि नहीं यहाँ से तुम बस दस कदम और चलना, नहीं एक्यूरेट डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वास्तव में बात बनेगी। मतलब टोपोशीट जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो यानी कि मान भूगोल के अंदर स्थिति या स्थानिक दूरी या उसका आकार, ये स्थिति जो है ये बहुत ज़्यादा स्थानों का निर्धारण करने में सहायक होती है। और इस तरह से यदि हम स्थिति का जो स्टडी है, अध्ययन है, यदि प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वो विकास का एक बहुत बड़ा कारक बनती है। जैसे देखिए जयपुर प्लेन एरिया में बसा हुआ है ना, तो और जब जयसिंह जी ने बसाया महाराजा ने, तब इसको चेकरबोर्ड पैटर्न पे बनाया, और अब आप देखिए आउटर साइड में ये सब चीज़ें नहीं ध्यान दी गई हैं। तो किसी भी क्षेत्र का बनावट आप ले लें, जैसे कनॉट प्लेस, दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है वो सर्कुलर फॉर्म में, उसके आसपास जितने भी बसावट हैं वो सब सर्कुलर हैं। चंडीगढ़ में हर सेक्टर में एक गार्डन है और गार्डन के चारों तरफ उस सेक्टर को डेवलप किया है। तो इस तरह से बच्चों ये जो सर्कुलर सेक्टर है, मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने उसमें पेरिस वगैरह सब जगह के एग्जांपल दिए थे कि कहीं पर गार्डन में बहुत बड़ा फाउंटेन है, उस बेस पे सारा सिटी बसा हुआ है, और उसके मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे। तो ये थोड़ा सा उसको दिमाग में रखिएगा। चौथा हुआ। अब चौथा है कि जो वातावरण है, और जो वातावरण के प्रभावित करने वाले, वातावरण को प्रभावित करने वाले जो कारक और शक्तियाँ हैं उनको हमें बहुत बारीकी से देखना होता है। जैसे हम ये हम नहीं कह सकते कि विषुव रेखीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो थिक फॉरेस्ट्री वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ उनकी जो ज़रूरतें वो इस शीतोष्ण कटिबंध या टैगा क्षेत्र में होंगी, या जो चाइना तुल्य जलवायु प्रदेश हैं वो मानसूनी प्रदेश में समानता रखेंगे, या सहारा और सवाना दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं, नहीं, दोनों में बिल्कुल प्राकृतिक भूदृश्य बिल्कुल अलग है। एक बिल्कुल मिट्टी का है, बालू भर से भरा हुआ क्षेत्र है, और दूसरा लंबी लंबी घास से निर्मित क्षेत्र है ना, लारोज एंड वेल्स वगैरह जो विश्व के क्षेत्र हैं घास के अपने। तो ये हमें एक एक फैक्टर को देखना पड़ता है कि किस जगह पर ये चीज़ प्राकृतिक दिशा में ये चीज़ कैसे उत्पन्न हुई, इसके पीछे कौन कौन से कारक हैं, या मनुष्य को इसके साथ में कैसे अनुकूलन करना है, एडेप्टेशन टूवर्ड्स द पर्टिकुलर रीजन, एडेप्टेशन टूवर्ड्स द पर्टिकुलर क्लाइमेट, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखना है। पांचों हैं पार्थिव दृश्यों के वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि को अपनाना चाहिए। अब वैज्ञानिक विधि तो क्या होती है बेटा, जो ज्योग्राफी की बेसिक जो सिद्धांत है, नॉर्मल सिद्धांत, उस वैज्ञानिकता को देखना बहुत ज़रूरी है जो अपन रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर बड़ी क्लास में देखते हैं। पर ये यहाँ पर सिर्फ अभी ये जान लो कि
कि जो भी हम जैसे हम ज़मीन की बात करते हैं ना, टेरेस्ट्रियल, उसमें सबसे पहला फिनोमेना हमने अर्थ लैंड सरफेस या क्रस्ट की बात करी। लैंड सरफेस में हम जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, चट्टाने कैसी हैं, धातली संरचना कैसी है, ढाल कैसा है, ये सब वैज्ञानिकता के आधार पर ही हमें पता चला है। हमने इसको बार बार प्रयोग करे हैं पुराने ज्योग्राफर्स ने, और वो दिन प्रतिदिन उसका विकास होता चला गया। तो पार्थिव एकता में हमको सारे जो दृश्य हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए, ठीक है। छठा है, मानव द्वारा अपने वातावरण में किए जाने वाले परिवर्तन और परिमार्जन को पहचानना आवश्यक है। अब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने वातावरण में पौधे तो लगाए नहीं, पेड़ ही पेड़ काट लिए, तो नेचुरली वातावरण परिवर्तित होगा। या हमने खनन कार्य इतना कर लिया कि वो लोकल लैंडस्लाइड्स हो गए, या हमने कोई डैम ऐसा बना लिया कि उससे हमारे लोकल भूकंप हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी प्राकृतिक कारक, मानव हम जो भी कार्य करते हैं और उससे हमारे वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उन सारी संभावनाओं पे हमें ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल फिर हम ब्लास्ट की क्षेत्रीय अवधारणा को देखेंगे। थैंक यू।